सोलन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। तीन नियमों के बारे में करीबन 2 वर्षों से प्रदेशवासियों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल जहां लोगों का इलाज होता है वहां इतनी अधिक भीड़ देखी जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। शायद ये लोग नहीं जानते हैं कि ऐसे में स्वास्थ्य होना आए ये मरीज ठीक होने की बजाय संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। होमगार्ड के जवान का भी यहाँ तैनाती तो की गई है, लेकिन उसके निर्देशों का भी लोग हल्के में ले रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां उड़ती अस्पताल में साफ नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोरोना को लेकर सरकार सख्त आदेश तो दे रही है, लेकिन उन आदेशों की पालना कैसे होगी इस बारे में कोई व्यवस्था या रणनीति नहीं बनाई गई है। यही वजह है कि सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। भारी भीड़ होने के कारण उनके बीच कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। दवाइयां और पर्चियां एक ही स्थान पर दी जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों का जमावड़ा बहुत अधिक हो जाता है। संक्रमण का खतरा भी स्थान में अधिक रहता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वे काउंटर बढ़ाए, दवाइयों के काउंटर यहां से कहीं और स्थापित करें, ताकि अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगने वाली भीड़ कम हो सके। वो एक स्थिति ऐसी हो गई है कि अब यही पता नहीं लग रहा भी सरकार के आदेश क्या हैं और सरकार ने कोरोना के बारे में क्या अपना रवैया अपनाया हुआ है। सरकार आदेश पारित कर देती है और आगे से आगे आदेश चला गया, आदेश चला गया, आदेश चला गया। आप हॉस्पिटल में जाएं तो आपको एक भीड़ नज़र आएगी, जो काउंटर जैसे जिसकी बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का कोरोना नियम का पालन नहीं हो रहा है। वहाँ पे एक सीनियर सिटीजन के लिए लाइन लगी है, एक महिलाओं के लिए है और एक दूसरी लाइन है, मगर वो इतनी छोटी जगह है कि वहाँ पर एक भीड़ सी खड़ी हो जाती है और सड़क तक बाहर वो बात पहुंच जाती है, लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। इससे बड़ी परेशानी लोगों को भी है और कोरोना जो अभी ख़त्म नहीं हुआ, सरकार आदेश तो कह रही है, दे देती है कि जी ये नो मास्क नो सर्विस, मगर इन चीज़ों का कहीं पर भी कोई पालन नहीं हो रहा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अस्पताल की व्यवस्था को सुधारा जाए और नई लाइन लगाई जाए, काउंटर बढ़ाए जाएं, ताकि पर्ची बनाने के लिए लोगों को एक जगह इतनी भीड़ के रूप में इकट्ठा ना हो पाए। सोलन जिले का जो अस्पताल है वो 3 जिलों को कवर करता है, सोलन, शिमला और सिरमौर, इसलिए वहाँ पर भीड़ बहुत अधिक रहती है। 1100-1200 के करीब ओपीडी रहती है और जनरल में बहुत ज़्यादा रश रहता है, और जहाँ पर पर्ची बनाई जाती है वहाँ पर इतना रश होता है कि जहाँ पर कोरोना फैलने का बहुत अधिक खतरा रहता है। CMO साहब को चाहिए भी ऐसी व्यवस्था कायम करें कि कम से कम अलग अलग 2-3-4 लाइनें लगे और अलग अलग जगह पर्ची बने, सीनियर सिटीजन की लग बने, चाइल्ड वालों की लग बने, महिलाओं की लग बने, पुरुषों की लग बने, ऐसी व्यवस्था को कायम करना चाहिए ताकि कोरोना भी ना फैले और हॉस्पिटल में रश भी अधिक ना हो। नहीं, ये तो प्रशासन की लापरवाही है ना। होमगार्ड वाले क्या किस किस से लड़ेंगे, होमगार्ड वाले, और एक होमगार्ड वाला किस किस को हटाता फिरेगा, सोशल डिस्टेंसिंग है नहीं, और अगर हो तो लाइनें बाहर सड़क तो बाहर तक आ जाएंगी। तो इसलिए हॉस्पिटल को चाहिए कि जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन काम करे।